हेलो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र्स हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो और आपकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो इंस्टाग्राम की तरफ से डिसेबल कर दिया गया है, अब आप अपने डिसेबल अकाउंट को रीएक्टिव कैसे करवा सकते हो, कैसे उसको इनेबल करा सकते हो जो आपका अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करूँगा, जो बात सच है वो ही बताऊँगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 50-50 चांस होते हैं हमारे डिसेबल अकाउंट को रिकवर करने के। अब अगर हमारा अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो गया है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि डिसेबल हो गया और हम अपील ही नहीं कर रहे हैं और हमने सोच लिया कि भाई अब तो डिसेबल हो गया, ये वापस नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। डिसेबल अकाउंट की अगर आप वहाँ से अपील डालोगे जहाँ से मैं आपको बताऊँगा तो आपकी आईडी 100% की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 50-50 चांस होते हैं आईडी वापस आने के। अब जैसे ही जिस जगह से मैं आपको बताऊंगा वहां से आप अपील करेंगे तो अपील जो जाएगी वो इंस्टाग्राम टीम के पास में जाएगी। अगर वो आपके उस मैसेज को जल्दी से देख लेते हैं यानी कि उस रिक्वेस्ट को जल्दी से देख लेते हैं तो वो आपकी आईडी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में अगर उनको लगेगा कि आपकी आईडी के अंदर यहाँ पर 20-30% ही मतलब उन्होंने जो है ना वॉलेशन पाई, मतलब जो आपकी आईडी डिसेबल हुई है उसके अंदर जब वो इंस्टाग्राम की टीम उसे चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे इन्होंने कितनी परसेंट यहाँ पर वॉलेशन कर रखी है, कितनी परसेंट इन्होंने गलतियाँ कर रखी है। अगर उनको ऐसा लगेगा कि 20-30% है तो आपकी आईडी जो है ना यहाँ पर 100% रिकवर रिएक्टिव कर दी जाएगी। लेकिन अगर उनको ऐसा लगेगा कि हम जो है ना हर रोज़ यहाँ पर गलतियाँ करते थे और बहुत गलतियाँ हैं हमारी अकाउंट के अंदर तो हमारे अकाउंट को यहाँ पर रीएक्टिव रिकवर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात यह है कि आपको अपील कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सही तरीका क्या है और अपील करते वक्त उसमें लिखना क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हेल्प होने वाली है। आपकी आईडी यहां पर 100% फिर से मैं नहीं कहता, 50% ऐसा है कि आपकी आईडी रीएक्टिव रिकवर हो जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देख लो, स्किप करके ना देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वो फॉर्म कौन सा है जो आपको भरना है अगर आपकी आईडी डिसेबल हो गई है, तो वो फॉर्म कौन सा है जो आपको भरना है, उस फॉर्म का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, बराबर में आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ मांगी जा रही है, जैसे कि आपका फुल नेम जो कि आपका रियल नेम होता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ऐसा नहीं जो इंस्टाग्राम में डाल रखा है वो डालना है, जो आपका रियल नेम है वो डालेंगे। और ईमेल आईडी जो कि आपकी एक्टिव होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए वो डालेंगे, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम के अंदर जो है वो ही डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ईमेल आईडी डाल देंगे पर वो चालू होनी चाहिए, उसी से कॉन्टेक्ट करेगा इंस्टाग्राम आपसे। तो ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद यूज़र नेम जो आपकी अकाउंट है, जो आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है, यूज़र नेम वो यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद में एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए वो आप यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद में नीचे वाले बॉक्स में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप उसे लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो ना उस पूरे के पूरे मैसेज को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में यहाँ नीचे वाले बॉक्स में डाल करके और रिक्वेस्ट को यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ आपको, जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का भी इंटरफेस आ सकता है कि उसमें लिखा हुआ आएगा COVID-19 की वजह से हम आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर अभी ले नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको सबमिट करना है। अब आप पूरे 48 घंटे का वेट करेंगे, उसके बीच में कहीं और से कोई अपील नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पूरे 48 घंटे वेट करेंगे। 48 घंटे मान लो कि आज पूरे हुए, दिन में 2 बजे या शाम को 6 बजे या रात को 8 बजे, मतलब आज पूरे हुए, तो आज को भी आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो दिन आएगा उसकी जो मॉर्निंग होगी सुबह 6 और 7 के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, और फिलअप करने के बाद में इसको सेंड कर देंगे। 48 घंटे प्लस होने के बाद फिर आपकी जो ये रिक्वेस्ट है 100% सबमिट हो जाएगी, और जैसे ही सबमिट होगी इंस्टाग्राम इसको चेक करेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पर परसेंट देखेगा कितनी परसेंट आपने यहाँ पर गलती की है, वॉलेशन की है, और उस चीज़ को चेक करने के बाद में
फिर वो आपकी आईडी को यहाँ पर जो है ना चालू करेगा। अगर कम गलतियाँ हैं तो चालू हो जाएगी, गलतियाँ ज़्यादा हैं तो चालू नहीं होगी। अच्छा, ये चीज़ 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है। एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद में 24 से 48 घंटे का हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। और अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी आईडी एक्टिव हुई या नहीं। कुछ लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि सबमिट तो कर दिया, मेल भी नहीं आया, अब हम चेक कैसे करें कि एक्टिव हुई या नहीं हुई। तो एक्टिव का पता कैसे चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा, जो आपका यूज़र नेम होता है सेम यूज़र नेम इंस्टाग्राम पर जाकर के आप सर्च करेंगे। सर्च बार में अगर आपको लगता है कि वहाँ पर वो इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम हमने लिखा वो आईडी शो हो गई, तो समझो आईडी रीएक्टिव हो चुकी है, वापस आ चुकी है। लॉगिन करके उसको आप यूज़ कर सकते हो पासवर्ड डाल करके। और अगर आपको लगता है कि शो नहीं कर रहा है तो समझो अभी तक जो है ना आपकी आईडी रीएक्टिव नहीं हुई है, उसको इनेबल नहीं किया गया है, उसको चालू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करके अपने डिसेबल अकाउंट को वापस ला सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50-50 चांस होते हैं हमें, अगर हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया है तो हम यहाँ पर अपील तो ज़रूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि अपील करने से होता क्या है कि चांस बनते हैं हमारी आईडी वापस होने। ऐसा नहीं है कि अकाउंट डिसेबल हो गया वो वापस नहीं आएगा, आ सकता है, मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है, तो अपील ज़रूर डालें। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो कि एक अपील डाली उससे कुछ नहीं हुआ, तो आप 48 घंटे के बाद में नेक्स्ट अपील फिर से कर सकते हो, या फिर थर्ड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा भी है कि 3-4 करने के बाद में तब भी ऐसा हो जाता है, वैसे तो फर्स्ट में ही हो जाता है, उसमें पता चल जाता है कि हुआ या नहीं। मेल आ जाती है हमारे ईमेल पर कि हम आपके यहाँ इंस्टाग्राम को चालू करेंगे या नहीं, तो उसमें आपको पता चल जाता है। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। इससे अलावा और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो इंस्टाग्राम का लिंक में मिल जाएगा, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, हम आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।